देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर और दोनों तरफ से बंद है ये, और इसमें 10 सेंटीमीटर तक मरकरी है मिडल में। तो डायग्राम पहले बना लो, इधर पैक, इधर भी पैक, ये पूरा लेंथ जो है ना 100 है और बीच में जो है मरकरी है, बीच में 10 सेंटीमीटर तक मरकरी है, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर था मतलब कि जो तुम्हारा ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और इधर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और इधर 45 सेंटीमीटर, क्योंकि मरकरी बीच में था ना, तो मरकरी जो बीच में था तो इसी वजह से दोनों तरफ 45 45 90 और 10 100 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर ऑन आइदर साइड ऑफ मरकरी कॉलम आर दिस, तो 31 डिग्री सेल्सियस, इधर भी 31 डिग्री सेल्सियस और इधर भी प्रेशर जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और उस तरफ भी प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दोनों तरफ है, ठीक है, ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इफ एयर कॉलम एट वन एंड इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर जो एयर कॉलम है वो एक तरफ अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और जो दूसरा तरफ है 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अगर हमारा, तो प्रेशर जो है वो कितना होगा। तो एक नया डायग्राम बनाओ, तो नया डायग्राम देखो कैसा होगा। सेम सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, सेम ट्यूब है और मरकरी जो है बीच में सेम है वैसे ही जैसा का तैसा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि मिडिल में, समझ गए, मतलब कि इधर हो सकता है लेंथ एल हो, तो बचा हुआ लेंथ कितना था 90, 10 तो खत्म हो चुका है ना, तो 90 ही बचा, तो दोनों तरफ लेंथ सेम होगा ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो इधर एल लेंथ ले लो और इधर ले लो 90 माइनस एल, ठीक है, ये ले लो। अब टेम्परेचर बोल दिया है, टेम्परेचर इधर 273 और इधर 0 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो ना, तुमको पूछा है कि प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, आ रहा बस समझ में। तो देखो चूंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है कि आगे पीछे मरकरी जा रहा है, प्रेशर ज़्यादा कम, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है पी, तो वही प्रेशर निकाल के यहाँ पे बताना है। तो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर एन आर को कांस्टेंट मान के पी वी बाई टी जो है इसको कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी को यूज करो। जैसे फर्स्ट केस के लिए देखो कि मान लो प्रेशर है वन वी वन, वॉल्यूम है वी वन, टेम्परेचर है टी वन, इधर भी वही होगा इधर भी वही होगा क्योंकि दोनों तरफ कंडीशन सेम है, इक्वल टू इधर का प्रेशर है पी, वॉल्यूम है वी वन और टेम्परेचर है टी वन, इस तरफ का प्रेशर है पी, वॉल्यूम है वी टू, टेम्परेचर है टी टू, इस तरह से, समझ रहे हो। तो चलो देखो अब वैल्यूज बैठाओ, यहाँ पे वैल्यूज बैठाओ, तुम्हारा आंसर आएगा। देखो प्रेशर वन कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम लिखने के लिए तुम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो ना, तो एरिया इंटू एरिया ए इंटू लेंथ है 45 सेंटीमीटर अपॉन टेम्परेचर कितना है, तो 273 + 31 केल्विन में, समझ रहे हो। अभी ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब चेंज करोगे तो सब जगह चेंज करोगे, कट जाएगा वैसे भी एरिया नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि वो भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिंपल लिखो ना 76 × 45, समझ रहे हो ना बात, इस तरह से पहला वाला लिखा, इक्वल टू प्रेशर पी, वॉल्यूम हो जाएगा फिर से एरिया इंटू लेंथ, एरिया कट जाएगा, और टेम्परेचर है 273 डिग्री, दैट इज 273 केल्विन + 273 करना पड़ेगा केल्विन में बदलने के लिए। थर्ड वाला के लिए लिखो तो प्रेशर पी, लेंथ है 90 माइनस एल, एरिया नहीं लिख रहे क्योंकि एरिया कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, और 0 डिग्री है मतलब कि 273 केल्विन। अब देखो अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लें तो हमारा लेंथ आ जाएगा, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करो, तो देखो पी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और ये 273 इधर आ जाएगा, सो 273 L इक्वल्स टू ये 2 × 273, ये 2 × 273 है, समझ रहे हो, ये दोनों इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, 2 × 273 हो जाएगा, इंटू तुम्हारा हो जाएगा 90, माइनस 2 × 273 × L, समझ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए यहाँ पे। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 × 273 L इक्वल्स टू 2 × 273 × 90, कैलकुलेशन जल्दी मत करना, इस तरह से शॉर्टकट लगाना, सो L इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर,
तो ये तुम्हारा 60 आया, दैट मीन्स ये 30 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो चलो एल तो हम लोग दोनों तरफ निकाल लिया, हमें तो बेसिकली प्रेशर चाहिए था ना। अब क्या करो ना, अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लो, तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा। तो 76 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 273 प्लस 31, 304 इज इक्वल टू पी, और एल कितना आया है 60 आया है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 273। अब यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसल होगा, सो पी इक्वल टू 76 इंटू 45 इंटू 2 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 304 इंटू 60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे तुम्हारे सामने ही सॉल्व करता हूँ। सो 76 इंटू 45 इंटू 2 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 304 डिवाइडेड बाई 60, तो लगभग 102.37 ये आएगा सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये ऑप्शन जो है ना सही ऑप्शन है। ठीक है,